खराब करें ये फौज के जनरल और ठीक करें नवाज शरीफ। ये फौज यकसुई अगर होती फिर कौन सा इशू था? लोहे के चने चबाने की कोशिश करोगे दांत टूट जाएंगे। जो सवाल नहीं पूछेंगे। ये जो JIT है ये इन्वेस्टिगेशन का अदारा है या कसाई की दुकान है? ज्यादती की गई है, हमें इंसाफ नहीं दिया गया। जमहूरियत का मुस्तकबिल जो है वो इस मुल्क में महफूज नहीं है। 63G नहीं है आइन के अंदर, 244 भी आर्टिकल है। तो फिर निमट लेंगे इंशाल्लाह। टार्जन की वापसी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज में मोहम्मद मालिक। अंदाजा आपको हो गया होगा हम बात कर रहे हैं वॉर कैबिनेट की। आज 43 रुकनी कैबिनेट ने ओथ उठा लिया, सब ने नहीं, 3-4 लोगों ने भी ओथ उठाना है। 27 फुल मिनिस्टर्स, 16 जो से हैं वो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं। वैसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट का इतना आपको बताता जाऊँ कि रूल ऑफ बिजनेस में कुछ होता नहीं है इनके पास। अगर वजीर चाहे तो अथॉरिटी डेलीगेट कर दे, और जिस महकमे में वजीर आज़म खुद उसके वजीर हों तो वो अगर डेलीगेट अथॉरिटी करे, वरना सेक्रेटरी बादशाह और वजीर बादशाह ये दरमियान में कहीं वो हैं। गेलू कट्टा ही होता। अभी आपको आवाज़ से पता लग गया आमिर मतीन साहब तो मेरे साथ स्टूडियो में है, लेकिन तारुफ खान से पहले मैं बता दूं आज हम दो सब्जेक्ट में बात करेंगे। बहुत सवाल उठ रहे हैं कि जो सा टोन और टेनर है आने वाले दिनों का, बड़ा ही हार्ड लाइन मिलिटेंट होगा, और जिस तरह वजारतें बनी हैं और जिस तरह सर्टन वजीर जो उनको महकमे दिए गए हैं उससे एक मिजाज नज़र आ रहा है कॉन्फ्रंटेशन का। साथ ही एक बहुत बड़ी बहस चल पड़ी है जिसमें एक जो मुस्लिम लीग नवाज के जो हल्के हैं उनका कहना यह है कि अब जो ऐसी ट्रायल्स शुरू होंगे रेफरेंसेस पे, उस पर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक मॉनिटरिंग जज लगा दिया है, ये एक तजावुज़ कर गई है सुप्रीम कोर्ट अपने जायज़ एक दायरे से, और ये शायद इंटरफेयर करेगी और फ्री ट्रायल और जिसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट ट्रायल मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि जो नीचे वाला जज है वो, और वो भी ऐसा जज लगा दिया गया है जो उस बेंच का मेम्बर था जिन्होंने फैसला दिया है नवाज शरीफ साहब और केस में और दूसरे इश्यूज के ऊपर। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट एक हद से आगे जा रही है? हम इन दो सब्जेक्ट पर बात करेंगे, क्योंकि एक चीज़ बड़ी क्लियर है, इस वक्त एक फैसला ऐसा आ गया है जिसने इस मुल्क की सियासत बदल दी है, और आगे भी ऐसे फैसले आ सकते हैं रेफरेंसेस में कि जो इस मुल्क की सियासत में बहुत दूरस्त जिनके असरात होंगे। और अब कहा यह जा रहा है कि अब सियासत करने वाले लोग अब सियासत को इस तरह करना चाहते हैं कि शायद वो आने वाले फैसलों को बदल सकें। मेरे साथ इस पर हम बात करेंगे, आमिर मतीन साहब ने तो अपना पहली इत्तला दे दिया, बैठे हुए मेरे साथ कराची से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद साहब, वेरी एमिनेंट लॉयर, और लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब जो स्पोक्स पर्सन है PTI के, लेकिन एक लीगल एक्सपर्ट भी हैं, तो हम दोनों एंगल्स उसमें कवर करेंगे। पहले ज़रा लीगल पे आमिर जल्दी से बात कर लें। बैरिस्टर साहब, 2 क्विक क्वेश्चंस। ये जो बहस चल रही है, और एज अ लेमैन सोचता है बंदा कि वाकई जिस बेंच ने एक फैसला दिया हुआ, सुप्रीम कोर्ट का बेंच है, उसने एक फैसला दे दिया, अपना माइंड दे दिया, फिर उसने आगे एक फर्दर नैप कोर्ट्स के लिए भी हिदायत कर दी हैं कि ये 16 कंपनीज को इन्वेस्टिगेट करें, ये 4 रेफरेंसेस आप ज़रूर भेजें। उन जज अगर वहाँ पर जब मुकदमा चलेगा और इन्हीं जजेस में से एक जज उस पर मॉनिटरिंग जज होंगे, तो क्या वाकई ये कोई है इसमें कोई जस्टिफिकेशन, जो खौफ कह लें कि जी ये तो इन्फ्लुएंस हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल? देखें, ये बड़ा एक डेंजरस प्रेसिडेंट है, क्योंकि एक बड़ी बुनियादी एक जस्टिस सिस्टम में, हमारे जस्टिस सिस्टम में एक रूल है कि जो इल्ज़ाम लगाता है वो जी आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, प्लीज़ बोलिए। जी तो जो इल्ज़ाम लगाता है वो खुद मुनसिफ नहीं हो सकता, ऑब्वियसली। सो यू कैन नॉट हैव द प्रोसिक्यूटर एंड द जज बीइंग द सेम पर्सन। नाउ द प्रॉब्लम इस मुकदमे में जो मसला है कि इन्वेस्टिगेशन का जो सारा रोल है वो सुपरवाइज करेंगे एक सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज साहब। अब हमेशा किसी भी अक्यूज्ड के वकील का काम ट्रायल कोर्ट में हमेशा यही होता है कि वो जाके इन्वेस्टिगेशन की वीकनेसेस पता है कि इन्वेस्टिगेशन में ये गलत चीज़ हुई, ये गलत चीज़ हुई, ये गलत चीज़ हुई। अब इस केस में
जब एक नैब कोर्ट का जज जो एक सेशन जज के रैंक का जज होता है उसके सामने उस एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होगी और वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में तैयार की गई है, तो मैं समझता हूं कि डेफिनेटली एक तो वो जज के इन्फ्लुएंस होने का एक डेफिनेट एक रिस्क है। दूसरा, हमेशा हम कहते हैं कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी सीन टू बी डन, तो इसमें नो डाउट अक्यूज जो हैं वो प्रेजुडिस्ड फील करेंगे, अक्यूज्ड के जो हामी हैं वो प्रेजुडिस्ड फील करेंगे, वो जस्टिस सिस्टम को इम्प्यून करेंगे कि भाई एक उसका जो अफसर है, जो सुपीरियर अफसर है, वो जब इल्ज़ाम लगा रहा है तो एक जूनियर अफसर कैसे वो उन इल्ज़ामों को न्यूट्रली असेस करेगा। तो मैं समझता हूँ कि इस ऑर्डर में डेफिनेटली एक लीगल लकुना है। लेकिन एक क्वेश्चन है मेरा कि हम ये अज्यूम क्यों कर रहे हैं कि वो जो जज हैं वो प्रोफेशनली उनकी इंटेग्रिटी क्वेश्चन में है, वो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक अननेचुरल चीज़ तो है, एक बहुत बड़ा ख़ानदान था जो अंडर इन्वेस्टिगेशन आया, जेआईटी में आया, हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की बैकिंग से जेआईटी ने बड़ा ठुक के अपना काम किया और अंडर प्रेशर नहीं आई। लेकिन जब आप एक सियासी जमात की, जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, जो फैमिली 30 साल से हुकूमत में है, वो भी तो इन्फ्लुएंस कर सकती है जुडिशरी को, लोअर जुडिशरी को, तो अगर एक सुप्रीम कोर्ट का जज की वजह से वो लोअर कोर्ट का जज एक हौसला पकड़ता है जिस तरह जेआईटी ने हौसला पकड़ा, तो हम ये क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि वो जज वहाँ जा के इंटरफेयर करेगा? क्या हमें इन जजेस की इंटेग्रिटी पर कोई शक है? इंटेग्रिटी का यहाँ सवाल नहीं पैदा होता। देखिए, बात यह है सिंपल सी कि अगर मैं इन्वेस्टिगेशन में, रिपोर्ट में मैं कहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन अफसर ने ये प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, अमूमन डिफेंस काउंसिल का यही काम होता है, आप कहते हैं कि ये जो तमाम सबूत पेश किए हैं ये सही तरीके से कलेक्ट नहीं हुए, ये इन्होंने यहाँ कानून की वायलेशन कर दी, वहाँ कानून की वायलेशन कर दी। अब ये सारी चीज़ें जब ये कहा जाएगा कि वो इन्वेस्टिगेशन बेसिकली हैज बीन परफॉर्म्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज, तो एक आम सी बात है कि कोई भी लोअर कोर्ट का जज वो डेफिनेटली कहेगा कि भाई अगर कोई कानूनी कोई लकूना होने थे वो सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में, सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े सीनियर जज की सरबराही में कैसे कोई लकूनाज हो सकते हैं। तो मैं तो मनोमन इस, मैं जब फवाद चौधरी को यहाँ पे लेता हूँ कॉन्वर्सेशन में, लेकिन उससे पहले सिर्फ एक सवाल है मेरा। मुझे आपकी बात से ये लग रहा है कि शायद आपका ख्याल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज सुपरवाइज कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन को, तो डिफेंस के पास स्केप रूट्स या बहाने ख़त्म हो जाएंगे लीगल क्लॉजेज में लकूनाज को एक्सप्लॉयट करने के। इशू ये नहीं है कि सच आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन उनके पास जो लकूनाज हैं, लीगल लकूनाज टू अवॉइड प्रोसिक्यूशन, वो उनके हाथ से निकल जाएंगे। इज दैट, ये बड़ा कंसर्न है आपका? लीगल लकूनाज की बात मैं जो कह रहा हूँ वो सिर्फ अपना ये टेक्निकलिटीज, बचने की टेक्निकलिटीज नहीं है। देखिए, एक हर आदमी का एक राइट होता है कि मेरे खिलाफ जो भी सबूत है, ठीक है, वो एक प्रोसीजर, कानूनी प्रोसीजर के तहत कलेक्ट किया जाए और पेश किया जाए, और अगर वो कानूनी प्रोसीजर के तहत नहीं किया गया तो दैट एविडेंस शुड नॉट बी कंसिडर्ड बाय एनी कोर्ट। अब मेरा काम है, और जो ट्रायल कोर्ट का जज है उसका काम है कि वो बिल्कुल अक्यूज्ड और प्रोसिक्यूटर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के दरमियान बिल्कुल बैलेंस्ड और इक्वल रोल रखे, और न्यूट्रली वो असेस करे कि ये जो एविडेंस जो साहब, मैं फवाद चौधरी साहब को लेता हूं, नहीं किया गया। फवाद, आपने बैरिस्टर सलाउद्दीन की बात सुनी, ये वो कहते हैं कि ये एक फेयर ट्रायल नजर भी आना चाहिए, ये फेयर ट्रायल नहीं होगा, ये मुझे बताएं इसका क्या जवाब है आपके पास? अच्छा, पहली बात तो यह है मालिक के, अच्छी बात यह है कि आप और आमिर इसमें बैठे हुए हैं और आप दोनों ने जो प्रोसीडिंग्स हैं वो भी सारी मुकम्मल देखी थी, पैनामा पेपर्स में कोर्ट रूम में हुआ करते थे हम सब,
और आपको अच्छी तरह आपने जो वकला है उनके दलाइल सुने थे। पहली बात तो आप ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट अगर आगे जाना चाहती तो उसे को रोक नहीं सकता था जिस किस्म के दलाइल और जिस किस्म की एविडेंस सामने आ सकी थी। मिसाल के तौर के ऊपर मरियम बीबी हसन और हुसैन को ने जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराई, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती तो 3 साल कैद डायरेक्टली उन्हें वहाँ पर ही सुना देती और वो वहाँ से सीधे जेल जाते, और सुप्रीम कोर्ट इससे बहुत आगे जा सकती थी बाकी मामलों के ऊपर भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद को रोका और उन्होंने ये जो मुकदमात में जो क्रिमिनलिटी का एलिमेंट है वो तय करने का काम छोड़ दिया ट्रायल कोर्ट के ऊपर। अब ट्रायल कोर्ट में ये कोई पहला मौका नहीं है कि जब इस तरह के बड़े केसेस आए हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है वो दिया है किसी जज को। मिसाल के तौर के ऊपर हज केस था, हज केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव जज मुकर्रर किया, बाद में वो तमाम लोग उस हज में केस में बरी हो गए, सुप्रीम कोर्ट का इन्फ्लुएंस वहाँ पे नहीं आया। आपको याद होगा वो केस गिलानी साहब के दौर में बड़ा मशहूर हुआ था, बड़ा चला था। इसी तरीके से बड़े और केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने एक जज अपॉइंट किया, इसका मकसद ट्रायल के ऊपर इफेक्ट होना बिल्कुल भी नहीं है। इसका मकसद ये है कि जो प्रोसीजर्स हैं और हमारा जो एंटी टेररिज्म लॉ है उसके अंदर तो प्रोवाइडेड है कि हाई कोर्ट का एक जज उसको सुपरवाइज करता है उन कोर्ट्स को और देखता है कि वो मुकदमात वहाँ पे गए हैं और कैसे चल रहे हैं और क्या हो रहा है। सो सुप्रीम कोर्ट ने जब वज़ीर-ए-आज़म और उनकी फैमिली के ऊपर ये मुकदमात हों, और जिस तरह से आपने देखा शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जिस तरह पहले दिन पार्लियामेंट में कहा कि उनके वज़ीर आज़म अभी भी नवाज शरीफ हैं, सो अगर चेयरमैन नैब भी उन्हीं के हैं और उनकी तमाम प्रोसिक्यूशन भी उन्हीं की है, विटनेसेस भी उन्हीं के हैं, तो मुझे बताएं कि ट्रायल उसको साफ ट्रायल होने के लिए, एक बैलेंस ट्रायल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये मैयर लिया है कि जो मुकदमा है वो इंतज़ामी उस मुश्किलात का शिकार ना हो और स्मूथली कोर्ट में जाए और स्मूथली कोर्ट में आगे चले। कोई विटनेसेस सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे एग्जामिन नहीं करने हैं, कोई रिपोर्ट उसने नहीं करनी है। मुझे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले काफ़ी लीनियंसी दी है शरीफ फैमिली को यहाँ पे छोड़ के, वरना वो उन्हें सीधे जेल भेज सकते थे, और यहाँ पर आके अब सुप्रीम कोर्ट का मकसद, वाहिद मकसद ये है कि ये मुकदमा अदालत में पहुँचे और वहाँ पर इसका ट्रायल हो, और ट्रायल के बाद ज़ाहिर है हाई कोर्ट में भी आपने जाना है, आपने सुप्रीम कोर्ट में जाना है, उसमें कोई किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं है। और प्रेसिडेंट मैंने आपको पहले ही बता दिए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसके अच्छा, इसमें अभी वापस आता हूँ, लेकिन मैं आमिर चाहता हूँ थोड़ा सा इसमें पॉलिटिकल एंगल भी लें। जो कंपोजिशन कैबिनेट की आई है, उशायदुल्ला साहब भी वापस आ गए, मजाक बना देते हैं, उन्होंने कहा जी टार्जन की वापसी, आई थैंक गॉड टार्जन डिडंट, देयर वाज नो रिजेंबलेंस, एनीवे टार्जन की वापसी आ गई। आपको याद है निकाले किस बात से गए थे, तब इन्होंने कहा था कि जी डी जी ऐसे तख्ता उल्टने लगे हैं और सारा करने लगे हैं, उनको बुला के बाहर से कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे, 24 घंटे के अंदर फायर कर दिया गया था, वो भी अगस्त का महीना था, और अगस्त में ही वो रिवाइव हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ख्वाजा साहब के ताल्लुकात भी जिस तरह के फ़ौज के साथ हैं हम सबको पता है, उनको फॉरेन मिनिस्टर बना दिया जाता है। देन वी हैव ऑल द हॉक्स, और अब नज़र ये आ रहा है कि हम बहुत बड़ी एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं, और दानिया नज़ीर से अफसोस तो वो बाद में करेंगे, बल्कि ये एक लीगल सवाल भी आपसे पूछना है कि इसकी लीगल पोजीशन क्या है कि जो अभी लीगली तो वो डिसक्वालीफाई हो गए हैं, तो अगर ये मियां साहब ये रैलीज एड्रेस करेंगे और ये सारा जलसे जुलूस करेंगे तो इसमें कोई पेनल्टी है, इसमें कोई कानूनी तौर पर चौरी साहब? नहीं, मेरा ख्याल है वो सिर्फ प्रेसिडेंट पीएमएलएन नहीं रह सकते हैं, जलसे जुलूस तो ज़ाहिर करने से किसी को नहीं रोका जा सकता, वो जलसे जुलूस भी अपने करें, तकरीरें भी करें, सिर्फ ये है कि मुस्लिम लीग नून की डिसीजन मेकिंग में वो बहसियत सदर शिरकत नहीं कर सकते, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में है कि उसके लिए एमएलए की अहमियत होना। अब जा रहा है इतना सवेर किस्म का क्लैश, डू यू थिंक जिनके आम वर्कर्स का ख्याल है कि शायद ये इन्फ्लुएंस कर सकें जुडिशल आउटकम्स आगे आने वाले महीनों में, 6 महीने की डेडलाइन है, डू यू थिंक उसमें कोई वजन है इस स्ट्रेटजी में? मेरा नहीं ख्याल है, कोशिश तो नज़र साफ आ रहा है कि कैबिनेट की फॉर्मेशन से क्लियरली हो जाता है कि इसमें ना सिर्फ कि ये कि सारी पावर लॉबीज को भी एडजस्ट किया है, बहुत बड़ी कैबिनेट बना दी है उन्होंने, मगर उसमें सारा वो अटैक ग्रुप है, सारा अटैक ग्रुप है, जिस तरह बाकी आपने नाम लिए हैं कि प्रोवोक करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट को जो है ना वो उस तरह के भी नाम डालेंगे हैं, तो मैसेज तो बड़ा क्लियर है कि जनाब वो उन्होंने लड़ना है। जो हम सोच रहे थे कि दो ही ऑप्शंस थी, एक था कि जनाब देखें ऑलरेडी इनके पास ऑप्शंस बड़ी कम है, इनके पास
नहीं, जब भागने वालों को भी तो रोका है, साउथ पंजाब पूरा बना दिया है। आप पोकर के खिलाड़ी हैं और माशाल्लाह आपका पोकर फेस भी है, पता नहीं चलता लेफ्ट दिखा के राइट मारते हैं, तो वो इनके पास ऑलरेडी बड़े कमजोर पत्ते हैं। ये टेलीविजन पे हर बात करने वाली नहीं होती, मतलब ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, मैं नहीं करता फेस पोकर फेस मैं कहना चाह रहा था, तो उसमें कमजोर पत्ते हैं, उसके अंदर इनके लिए ये था ऑप्शन इनके पास कि शायद ये शहबाज शरीफ की अगर ये वाली ऑप्शन पे जाते तो उनका नज़र आना था कि जनाब ये शायद ये लड़ाई की तरफ नहीं जा रहे, ये जिस तरह चौधरी निसार ने मशवरा दिया था जाते वक्त कि जनाब जो भी जैसा भी फैसला है मान लीजिएगा, ये कैबिनेट से क्लियर हो गया है कि ये मरियम बीबी की कैबिनेट है और इसमें चौधरी निसार की या शहबाज शरीफ साहब की किसी की मशावरत भी नहीं है, और वो मेरा ख्याल है कि उनकी ये मुझे नहीं नज़र आ रहा कि इन्होंने और चौधरी निसार अभी बोल भी पड़े इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे जो इस वक्त एजेंडा चल रहा है कि वो 45 दिन बाद भी शहबाज शरीफ साहब को लौटे, ये फैसला होना है कि बाई इलेक्शन किसने लड़ना है, मुझे लगता है कि मरियम कैंप के अंदर उनकी ख्वाहिश नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ें और इस्लामाबाद में आएँ, वो इन्हीं को ही जितना टाइम बचा हुआ है वो इन्हीं को ही कैरी ऑन करना चाहेंगे, और बाय द टाइम उन्होंने माहौल ही जब तक इतना कन्फ्रंटेशन का होएगा कि शायद शहबाज शरीफ साहब कुछ करना भी चाहें तो कोई सुलह जोई वाला रह ही नहीं जाएगा। आप ये कह रहे हैं, मैं ब्रेक पे जाने से पहले सम अप कर दूं, फिर मैंने दोबारा बाकी दोस्तों से ही बात करनी। आप ये कह रहे हैं कि आपके एनालिसिस में 45 दिन के अंदर इतना तसादुम की फ़िज़ा बन जाएगी कि शहबाज शरीफ साहब आना भी नहीं चाहेंगे, बिकॉज उनका ख्याल है कि मैं आके कोई संभाल नहीं सकूँगा। ये जान के उनसे करवाएँगे यही वाली बात कि वो खुद ही भाग जाएंगे कि जनाब ये मैं लड़ते ही नहीं इलेक्शन, अगर आपने ये लड़ाई करनी है तो वो लड़ाई वाली ऑप्शन के अंदर उनको सूट ही नहीं करती है। सही, हम जो एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आके एक तो कुछ लीगल पॉइंट्स अपने दोनों हमने लीगल एक्सपर्ट से बात करनी और इसका भी सवाल देखेंगे कि जो माहौल बनता जा रहा है उसमें जिस तरह के बयानात आए हैं उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्ट पार्टी बना दिया गया है कि जी जज ने ये किया, जुडिशरी ने ये किया, जितनी अपॉइंटमेंट्स हैं बेंचेस की चीफ जस्टिस ने की, जो मॉनिटरिंग जज है वो भी चीफ जस्टिस ने लगाया, फिर फौज के ऊपर बात आ गई कि जी ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ये पीछे से कर रही है, तो अगर चीफ जस्टिस से भी क्लैश है, अगर आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन और टॉप मैन से भी क्लैश है, अगर तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस अलाइंड हैं आपके खिलाफ और इस माहौल में अगर आप एक फुल फ्लेज फ्रंट असॉल्ट करते हैं तो क्या निज़ाम डिस्टेबलाइज होगा कि क्या निज़ाम इस वक्त इस तमाम पार्टी से और इस स्ट्रैटेजी से ज़्यादा मजबूत है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। मैं जब वापस बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब के पास जाऊंगा, बैरिस्टर साहब आपने फवाद चौधरी साहब की बातें सुनी, वो तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर ऑफ फैक्ट है, उन्होंने एग्जांपल्स दे दी, केस लॉज दे दिए, और मुझे याद है मैं कुछ दिन पहले जस्टिस अपना बैरिस्टर फरोग नसीम साहब से भी बात कर रहा था, उन्होंने भी अपने एक दो केसेस की एग्जाम्पल दी, मुशीर आलम साहब उसमें सुपरवाइजिंग जज थे, तो उन्होंने तो बड़ा क्लियर किया है कि ये तो बेसिकली एक ओवरसाइट वाले जज हैं, ना वो इंटरफेयर करेंगे, ना उन्होंने कोई बताना है क्या करो, कौन सी विटनेसेस को क्या पूछो ना पूछो, वो तो बिल्कुल हैंड्स ऑफ हैं, टाइमलाइंस को मॉनिटर करेंगे कि इन टाइमलाइंस में मुकदमा ख़त्म हो जाए, कोई दाएं बाएं चीज़ें ना हो, तो फिर इसमें इतना शोर क्यों है? अपना आसमा जहांगीर साहब है ना भी बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग दी, बड़ी बातें की, आज मैं देख रहा था लाहौर आर्ट्स काउंसिल बार काउंसिल के प्रेसिडेंट, अपना लाहौर हाईकोर्ट बार के, फिर पाकिस्तान बार काउंसिल के जो प्रेसिडेंट थे, फिर वाइस चेयरमैन एहसन भून साहब जो उनके अपने ग्रुप के लोग हैं, उन सब ने कहा कि जी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोर्ट्स पे पूरा एतबार है, तो जब सिंपल ये चीज़ है जैसे फवाद चौधरी बता रहे हैं तो फिर इतना कंसर्न क्यों है? देखें मालिक साहब, आपने दो चीज़ों की बात की ब्रेक से पहले, एक तो ये कि चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट क्यों इन्फ्लुएंस करेगी किसी भी इन्वेस्टिगेशन को, और दूसरी चीज़ ये कि इवन ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी कहीं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से इन्फ्लुएंस हो रही है, इस ये भी इल्ज़ाम लग रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इन इल्ज़ाम का एक कॉन्टेक्स्ट है
और द रीजन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को वल्नरेबल किया है टू दीज काइंड ऑफ एक्यूजेशंस क्यों? देखिए सबसे पहले थी, लेकिन जब फर्स्ट राउंड था पैनामा का, अब पैनामा की जो पहली जजमेंट थी, चाहे आप गुलजार साहब और खोसा साहब के व्यू से इत्तफाक रखते थे या आप मेजॉरिटी बेंच के व्यू से इत्तफाक रखते थे, कोई ये उंगली नहीं उठा सकता था कि ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, प्रोसीजरल रेगुलरिटीज में इरेगुलरिटीज हुई हैं, कोई ये इल्जाम नहीं उठा सकता था। मसला शुरू आया जब जेआईटी की कॉन्स्टिट्यूशन हुई। नंबर एक, आर्मी का इसलिए लोगों ने इल्जाम लगाना शुरू किया क्योंकि एमआई और आईएसआई के लोगों को जेआईटी में इंक्लूड किया गया। अब एमआई एंड आईएसआई का आप भी जानते हैं कि कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, इन ऑल ऑनेस्टी एज अ पाकिस्तानी एज अ कॉन्शियस सिटीजन, आप जेन्युइनली फील करते हैं कि अगर इस जेआईटी के अंदर MI और ISI के ऑफिसर्स ना होते तो ये सिविलियन JIT ये सारा प्रेशर विदस्टैंड करती और इसी तरह काम दिखाती? दिल पे हाथ रख के, आई एम नॉट टॉकिंग लॉ, आई एम टॉकिंग एज अ नॉर्मल सिटीजन, प्रैक्टिकल इशू, प्रैक्टिकल इशू। जी ठीक, प्राइम मिनिस्टर की फैमिली थी, मजाक नहीं था। लेट्स मैं बिल्कुल डायरेक्टली आपके सवाल पे आता हूँ। देखें, या तो सुप्रीम कोर्ट कहे, टेक्निकली आप भी जानते हैं लीगली कि MI और ISI उसी तरह प्राइम मिनिस्टर के मातहत हैं जिस तरह डीजी नैब, जिस तरह चेयरमैन नैब वगैरह, टेक्निकली लीगली ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट अगर कहती है कि नहीं, हमने लीगैलिटी नहीं देखना, डिफैक्टो रियलिटी देखना है कि एक्चुअली डीजी एमआई या डीजी आईएसआई प्राइम मिनिस्टर से इंडिपेंडेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ इज रिकॉग्नाइजिंग कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं देख रहे, हम रियलिटी देख रहे हैं। अब अगर आप रियलिटी पे आते हैं तो रियलिटी तो ये भी है कि लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कोई ओवरराइड तो नहीं किया 190 के तहत। जरा बात मुकम्मल करने दें। बात बिल्कुल प्रैक्टिकल साइड अगर देख रही है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट को फिर ये भी प्रैक्टिकली देखना चाहिए कि कई मर्तबा हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ही साजिशें सिटिंग प्राइम मिनिस्टर्स, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स के खिलाफ किया है। तो मैं समझता हूं कि अव्वल तो उन्होंने ये चार्ज अपने लिए खुद उनको इंक्लूड करने के लिए, और डीजी और एमआई और आईएसआई का कतन कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का, उनके जो कॉन्स्टिट्यूटिव डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें तो कोई पावर नहीं है। अच्छा एक बात ये रख दें, दूसरा क्वेश्चन जी, लेट मी कंप्लीट इट, फिर सर आई कंप्लीट। जो बहुत से लोगों ने एतराज किया, लोगों ने कमेंट्री भी की, बेशक चाहे जो ये शरीफ खानदान के वकला ने की या नहीं की, मगर इस चीज पे डेफिनेटली फिंगर्स पॉइंट की गई कि ये गलत हो रहा है। दूसरी चीज जो जिस पे एकदम जब ये कहते हैं इन्फ्लुएंस का चार्ज नहीं होना चाहिए, और मैं भी समझता हूं नहीं होना चाहिए, मगर जो शको शुबात शुरू हुए, दे वर थ्रू व्हाट्सएप कॉल्स एंड फेस टाइम कॉल्स मेड टू रजिस्ट्रार्स के मेड बाय द रजिस्ट्रार, ये SECP के चेयरमैन और ये स्टेट बैंक के गवर्नर को, कि आप फला बंदे को लिस्ट में शामिल करें। अब बात ये देखें, सुप्रीम कोर्ट की कंप्लीट डिस्क्रेशन है और जिसको अपॉइंट करे, जिसको वो ईमानदार होने, मगर एक मिनट लेट मी जस्ट कंप्लीट। सुप्रीम कोर्ट हमेशा हम ये कहते हैं कि जजेस शुड स्पीक थ्रू, जजेस स्पीक थ्रू देयर जजमेंट्स, दे डोंट स्पीक थ्रू व्हाट्सएप फोन कॉल्स मेड बाय डिफरेंट पीपल। और उससे डेफिनेटली फिर एक सिनारियो पेंट हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पार्शियलिटी जो है, इम्पार्शियलिटी जो है, उसको सस्पेक्ट बनाया विद दीज एक्ट्स। होल्ड योर थॉट देयर बैरिस्टर साहब। फवाद चौधरी साहब, ये मुझे बताएं, ये जो इशू बन गया व्हाट्सएप कॉल एंड ऑल दैट, क्या इसमें कोई लीगल लाइन क्रॉस हुई कि जजेस ने कहा कि हमें कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हमें करें, कोई इलीगैलिटी हुई है? सही,
एक तो मुझे लग रहा है कि सलाहुद्दीन साहब सिर्फ दी न्यूज़ अखबार पढ़ते हैं, तो बेहतर होगा कि कुछ और अखबारें भी पढ़ें ताकि उन्हें ओपिनियन जो हैं वो मुख्तलिफ मिल जाए। जहाँ तक ये मामला है, पहली बात तो आप जहन में रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया था ये दोनों पार्टीज़ की मर्ज़ी से गया था। पहले ये जो स्कैम आया था ये को पाकिस्तान के अंदर नहीं आया था, ICIJ ने स्कैम दिया था, इंटरनेशनल बॉडी की तहकीकात का मुतालबा हुआ। जो है कमीशन की डिमांड जो है अटॉर्नी जनरल ने की थी शुरू में, बल्कि आप लोगों ने इसको अपोज किया था। अपोज किया था, बिल्कुल आपकी बात सही है। पहले हमने कहा था कि आप नैब से इन्वेस्टिगेशन कराएं, उस पर नहीं माने, फिर उसके बाद कहा पार्लियामेंट में TORs बनाएं, उसके ऊपर ये नहीं माने, उसके बाद एक पूरी मूवमेंट चली और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आपको याद है ओपन कोर्ट में कहा कि आप ये दोनों पार्टीज जो हैं ये साहब ने एक वर्ड यूज किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को अब वल्नरेबल कर दिया है। मुझे ये बताएं कि किसी भी स्टेप पे क्या सुप्रीम कोर्ट ने पहले कानून की कोई लाइन क्रॉस की? सबसे पहले नहीं नहीं शुरू में डॉक्टर मालिक सबसे पहले शुरू कर लेना। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया, किसी दोनों पार्टीज ने मेंटेनेबिलिटी के ऊपर एतराज नहीं किया और कहा कि नहीं जी आप सुने और फैसला करें। जब फैसला आया पहला तो दोनों पार्टीज ने मिठाइयां बांटी और कहा कि बहुत ही जबरदस्त फैसला आया है। जब JIT बनी दोनों पार्टीज ने बड़ी खुशी का इजहार किया और कहा कि बहुत ही जबरदस्त JIT बन गई है। जब चौथा हफ्ता शुरू हुआ उस वक्त PMLN ने कहा कि नहीं ये JIT तो जो है वो हमारी बात नहीं मान रही है। हालांकि आपको याद होगा हमने ये कहा था कि इसको ओपन रखें, हमने कहा था कि इसको शेयर करें, हमारी बातें नहीं मानी गई। PMLN जो है उसकी बातें मानी गई, उन्होंने कहा वीडियो ऑडियो भी इसकी शेयर नहीं होनी चाहिए, इसको उन्होंने कहा कि आप रिपोर्ट भी शेयर ना करें, बहरहाल वो सारी बातें हुई। जब फाइनल रिपोर्ट आ गई, सिर्फ आखिरी पॉइंट सर, जब और एक मैं पॉइंट और आपको क्लियर कर दूं कि हमारे यहाँ 100% जो केसेस हैं टेररिज्म के उनमें MI और ISI के लोग JIT का हिस्सा होते हैं। हमारे यहाँ 80% नहीं तो 70% जो केसेस पहले रहे हैं, हमारे तो चेयरमैन नैब और DG नैब रहे ही फौजी हैं। तो ये कहना कि नहीं फौजी कहाँ से आ गया इन्वेस्टिगेशन में, ये तो पाकिस्तान का फिर नैब का ही आपको नहीं पता कि कैसे बनी थी और कौन कौन उसके सरबरा रहे हैं। चौथी इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ एक फौजी शामिल था, दोनों यही थे डॉन लीक्स वाले में थे उस और यही दोनों थे। अच्छा थोड़े एक मालिक एक और इंपॉर्टेंट मैं डिस्टिंक्शन कर दूं कि इसमें बुनियादी तौर के ऊपर एक सर्विंग फौजी था, जो दूसरा फौजी था जो ISI के ब्रिगेड नौमान वो तो रिटायर्ड है, वो तो सिविलियन कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ISI का, वो भी उस तरह से जो है वो फौजी नहीं थे। तो अब आकर के चूंकि एक नैरेटिव बनाना है कि देखिए फौज भी हमारे खिलाफ है, जुडिशरी भी हमारे खिलाफ है, तो पहली बात तो मुझे आप बताएं कि 93 में नवाज शरीफ साहब डिसमिस हुए प्रेसिडेंट के हाथों, 99 में डिसमिस हुए फौज के हाथों, आप तीसरी बार डिसमिस हो रहे हैं जुडिशरी के हाथों, तो कहीं तो नवाज शरीफ साहब भी गलत होंगे ना। ये तो नहीं कि सारे पाकिस्तान ही गलत है। मैं ये कहूँ कि ये सारा जो केस क्या था 1843 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए लिया था कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है जिसमें इदारे अपना काम नहीं कर रहे, बार बार वो यही पॉइंट आउट करते रहे, नैब नहीं कर रही थी, चेयरमैन नैब के साथ कहा उन्होंने 18 साल से केसेस पड़े हुए थे, तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के अंदर ये सारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप है। और आगे भी ये हम डिमांड करते रहे हैं कि जनाब कोई मैकेनिज्म बनाएं जिसको आप ओवरसाइट रखें, वरना कमरुल जुबान चौधरी से तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वो कोई इसकी तफ्तीश कर सके। क्या चॉइस है, अगर मैं ऐड करना चाहूंगा, अगर कानून पे इम्प्लीमेंटेशन हो, अगर नैब पे इम्प्लीमेंटेशन हो, तो ये सारे तो अब जेल में होंगे और इन्वेस्टिगेशन तो शुरू होगी इनके जेल जाने के बाद और फिर केस जो है वो कोर्ट में जाए। ये तो सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन की वजह से ये सब लोग अभी तक जेल से बाहर हैं। सो बजाय इसके कि आप शुक्रिया अदा करें इन इदारों का जिनकी वजह से आप अभी तक जेल से बाहर आई। अच्छा, एक लीगल चीज बताएं, ये रेफरेंसेस फाइल करने की नैब की 8 सितंबर की, अगर 8 सितंबर को जब ये रेफरेंसेस फाइल हो जाते हैं तो क्या इमिजिएटली अरेस्ट ऑर्डर्स इशू करना जरूरी है, कानून के तहत बेल्स करानी पड़ेंगी क्या? फंडामेंटल है, देखो उसकी वो वजह ये है कि आप तो वो जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा तो मुकम्मल हो गया, नैब कोर्ट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि ये बेलेबल वारंट अवेलेबल है ही नहीं है, ये तो नॉन बेलेबल वारंट है। सो नैब कोर्ट हैज़ टू इशू नॉन बेलेबल वारंट एंड एवरीवन ऑल द मेंबर्स ऑफ द शरीफ फैमिली दे हैव टू गो टू हाई कोर्ट। और इसमें एक और भी मैं आपकी बात बता दूँ, इसमें बेल नैब कोर्ट के पास बेल की पावर ही नहीं है। सो हाई कोर्ट में आप जाएंगे और वहां से आप जाके जो है वो सारी बेल कराएंगे ये। और हुदैबिया का केस जिसके ऊपर असल प्रॉब्लम है,
वो अभी तक मैं हैरान हूँ कि नैब ने अभी तक उसकी अपील फाइल नहीं की, हालांकि उन्होंने कमिट किया था कि विद इन 7 डेज हम सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर देंगे, लेकिन अभी तक मैं खबर नहीं सुनी कि उन्होंने साहब ये जो बात किया है फवाद चौधरी साहब ने, अपील फाइल कर दी है करते हैं कि ये 8 सितंबर तक मैक्सिमम जब ये रेफरेंसेस फाइल होंगे तो ऑटोमेटिक गुलेटिन क्लॉज आ जाएगा जिसके तहत अरेस्ट वारंट्स इशू हो जाएंगे और इनको हाईकोर्ट से बेल करवानी पड़ेगी और इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। आई थिंक वी मे हैव लॉस्ट हिम। प्रोड्यूसर साहब देखिए, आई थिंक कनेक्शन ड्रॉप हो गया। आमिर, सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये जो जितनी हम एक मोमेंटम देख रहे हैं अब, जिस पे आपने कहा है कि जिससे शायद आपके ख्याल में घबरा के शायद शहबाज शरीफ साहब भी अवॉइड करें 45 दिन के बाद आना, इनकी कोशिश तो, है मेरा ख्याल ये चॉइस दे ही नहीं रहे हैं तो, कि जिस तरह के नाम भी बाय इलेक्शन क्या कोर्ट को दबा लेंगे अगर रैलीज निकले, क्या कोर्ट डर जाएगी नैब की कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है ये बात, ये रैली पीएमएलएन वाले अगर रैली निकाल लें तो बस मुझे पकड़ लिए हैं कि जनाब ये कामे में फारिग कर दिया उनकी, अब वो इंश्योर करेंगे कि दिखाने के लिए कि जनाब इसके अंदर जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस था, जो मुतजाद बयानात थे, ये सारी प्रॉपर्टीज जो थी, वो ट्रायल जुडिशियल करवाना उनकी मजबूरी है अपने आप को बचाने के लिए, बताने के लिए कि सिर्फ एक कामे पे फारिग नहीं किया गया, सर्कमस्टांशियल एविडेंस बहुत ज़्यादा था और उसका ट्रायल करवा रहे हैं, इसीलिए वो अपनी रेपुटेशन उनकी दांव पे लगी हुई है। जो इतनी एग्रेसिव ये जलसों जुलसों से फर्क पड़ेगा, बल्कि ये दे आर पुशिंग द सुप्रीम कोर्ट टू अनदर कॉर्नर। अच्छा, आई हैव टू शेयर समथिंग विद यू एंड द ऑडियंस, एक चीज जो मुझे आज पता लगा है, वो एक और बड़ी अलार्मिंग चीज है कि कुछ डिस्कशन चल रही है बिटवीन पीएमएलएन लीडरशिप और पीपल्स पार्टी के दरमियान में कि इस अगले 6 माह से पहले एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई जाए जिसमें 183(4) को भी डाइल्यूट किया जाए और एक आदि कोई और अमेंडमेंट है। अब ये कानूनन ठीक है अगर मिलके करते हैं, सेनेट उनके कंट्रोल में है, हाउस के अंदर मिलके हो सकती है गेम। अगर ये हो गई तो फवाद चौधरी से तो लेते हैं इस पर लीगल पॉइंट कि लीगली कोर्ट का क्या उस पर रवैया हो सकता है, बिकॉज टाइमिंग सर्कमस्टांसिस की बात है, पोलिटिकली और उस पर क्या होगा? मेरा ख्याल पहले तो नंबर्स गेम बड़ी मुश्किल है, दूसरा ये कानून बेहतर बताते हैं मगर आधे के वकील हम भी बन गए हुए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की इतना मैला फाइडी इंटेंट नजर आएगी, उठा के 2 मिनट में रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। तीसरा इखलाकी तौर पे और सियासी तौर पे क्या उसका जवाब रह जाता है कि जी उस वक्त 18वीं तरमीम के जब हो रही थी सारी ये करेक्शन, वो कहते हैं जमहूरियत पे हमला, उस वक्त जो है ये बात हुई थी और नून लीग ने अपोज किया था कि इस्लामिक इंजक्शन जो हैं ये 62 और 63 की जो हैं इनको ना आप छेड़ें, ये डिमांड आई थी, ये एनपी की तरफ से भी आई थी और पार्टी ने भी कहा था कि जनाब इसकी ये उड़ा लें, तो इन्होंने रखवाई थी तो अब उस वक्त रखवा ली और अपने केस की वजह से ये अपना करेंगे, तो मेरा ख्याल ये प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं और लीगली भी नहीं। ब्रेक लेने के अगेन प्रोड्यूसर साहब मेरे कान में, ब्रेक के बाद आके एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ये जिस तरह हम वॉर कैबिनेट की बात कर रहे हैं, जिस तरह हम ये 8 सितंबर जौन सा है इसके बाद एकदम आपके रेफरेंसेस फाइल हो जाएंगे, एक नया सर्कस, मीडिया सर्कस समझ लें और कानूनी दायरा एक शुरू हो जाएगा, साथ ही हमें नज़र आ रहा है कि पॉलिटिक्स, एग्रेसिव पॉलिटिक्स सड़कों पर आ जाएगी, तब क्या होगा? क्या निज़ाम ख़तरे में है? क्या जमहूरियत ख़तरे में है कि क्या सिर्फ पीएमएलएन ख़तरे में है? इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। ब्रेक से पहले हमें एक टेक्निकल टेररिज्म की वजह से हम सलाउद्दीन साहब को खो बैठे थे, ही इज़ बैक ऑन लाइन विद अस। बेशर साहब, ये मुझे बताइए, ब्रेक से पहले मैंने फवाद चौधरी साहब से पूछा था कि अगर 8 सितंबर को जो डेडलाइन है नैब रेफरेंसेस फाइल हो जाते हैं जो नैब ने करने हैं, तो क्या ऑटोमेटिकली गिलेटिन क्लॉज आ जाएगा जिसके अंदर ज़रूरी है कि वो अरेस्ट वारंट्स इशू होंगे और नवाज शरीफ साहब को और जो बाकी अक्यूज हैं उनके बच्चे नैब अपना डार साहब इन सब को इमीडिएटली बेल्स करवानी पड़ेंगी हाई कोर्ट से, ऑटोमेटिक ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा? जी मैं समझता हूँ उनको बेल करवानी पड़ेगी, वैसे तो यू नो दे माइट इवन वांट के अभी बेल एप्लीकेशन
फाइल करें, क्योंकि एक बार इंक्वायरी शुरू हो जाती है तो टेक्निकली नैब के पास पावर होती है अरेस्ट करने की, तो डेफिनेटली, और रेफरेंस फाइल करने के बाद तो मैं समझता हूँ प्रॉब्ली इनएविटेबल होगा कि उन्हें बेल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एक दूसरी बात, और ये ईसीएल पे भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे? नहीं 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 मालक साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है मिनिस्टर साहब ने, वो कह रहे हैं अभी भी नैब के पास पावर है टू अरेस्ट देम एंड दे शुड गो फॉर बेल बिकॉज अभी भी नैब उनको अरेस्ट कर सकती है, और नैब अभी उन्हें अरेस्ट नहीं कर रही, कोई और इनकी जगह होता तो अब तक जेल होता। दूसरा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, बताइए क्या ऑटोमेटिकली ईसीएल पे भी नाम चला जाएगा? नहीं, ऑटोमेटिकली ईसीएल पे नहीं जाता, ईसीएल पे या तो कोर्ट कोई डायरेक्शन दे या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर उनको ईसीएल पे डाले, मगर ऑटोमेटिकली जस्ट बिकॉज यू आर इन अक्यूज्ड इन अ क्रिमिनल केस इनडायरेक्टली ईसीएल हो जाती है, क्योंकि अगर आप बेल पे हो तो जज साहब से इजाजत लेके शायद बाहर जाना पड़ता है। अच्छा आमिर, अभी एक इशू और भी उठेगा, अभी ये मुकदमे चल रहे होंगे, रेफरेंसेस चल रहे होंगे, तो 8 अक्टूबर में वो के चेयरमैन नैब भी फारिग हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, देन द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन नैब क्या होगा, वो भी एक नया क्राइसिस आएगा। पहले भी अभी भी इशू है कि अभी तक वो ओवरसाइट जो है उनसे पहले अगर उन्होंने खुद ही रेफरेंसेस, ये कह रहे थे हुदैबिया खोल दें, अगर उन्होंने केस खराब करके भेज दिया लकूना छोड़ के तो भी प्रॉब्लम है, तो ये है, फिर ये अगेन बहुत दोबारा बहुत बड़ा इशू आ जाता है कि अगले पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने ही मिलके करना है, उसमें फिर पीटीआई जाहिर है शोर मचाएगी, अब कौन आता है उसकी जगह पे, ये सबसे बड़ा इशू ये दरमियान में आ जाएगा, पर इस केस से शायद वो इफेक्ट ना हो, क्योंकि इसीलिए जुडिशियल ओवरसाइट मेरा ख्याल ज़रूरी भी है कि दरमियान में ये ट्रांजिशन भी आनी है कि जब वो प्रोसिक्यूटर अपना लगा लिए चुके होंगे, अपनी तसल्ली का इसको देख रहे होंगे, तो शायद चेयरमैन नैब का इतना इसके ऊपर असर रह नहीं जाएगा। एक और सिनेरियो भी है कि अगर आप बहुत एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं जिसमें आप इंस्टीट्यूशंस को टकराते हैं या आप फैसले पे नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं, ये रेफरेंसेस फाइल तो एक टाइम पे हो रहे हैं, उनकी डेडलाइन है 8 सितंबर, लेकिन फैसले तो मुख्तलिफ अदवार में होंगे, कोई 6 महीने तक जाएगा, हो सकता है किसी का 2 महीने बाद भी हो जाए, 2 महीने में हो सकता है किसी की बेल्स कैंसिल हो जाए, किसी की 1 महीने में भी हो सकती है किसी की बेल्स कैंसिल। क्या होगा अगर ये पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव चले जाते हैं, क्या होगा? ये तलवार तो ऊपर मालिक साहब लड़ रही है, ये नहीं है कि 6 महीने तक ये वो है, या जिस तरह आपने कहा है कि महीने बाद भी बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है, तो महीने बाद भी, 2 महीने के बाद भी जो है कोई भी अरेस्ट किसी वक्त भी हो सकता है, जेल जा सकता है, उसी ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है। दूसरा, ये जो जुलूस निकालने जा रहे हैं ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ इसलिए है कि इनकी अपनी हुकूमत है, इनकी ही जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर की, और ख़ास तौर पे अदालत जो है ये इसको ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस की भी एक वो बन सकती है, उनके पास 190 के तहत इख्तियार है कि वो ये वो, मैं वो बता नहीं कर रहा कि जनाब निज़ाम लपेटा जाएगा, ये इसी निज़ाम को कोई खतरा है, निज़ाम को मैं नहीं समझता हूँ कि अदालत के पास 190 का इख्तियार है, वो लीगली इनको कह सकते हैं कि जनाब ये यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस हो रही है, हमने हर सूरत में ये केसेस करवाने हैं, क्योंकि ये बड़ी डेंजरस लाइंस पे जा रहे हैं कि ये जुलूस वगैरह करके, क्योंकि गवर्नमेंट पंजाब में भी अपनी है, इस्लामाबाद में भी अपनी है, तो लॉ एंड ऑर्डर की इन्हीं की जिम्मेदारी है, खुद ही उसको कैसे ख़राब कर सकते हैं। तो अगर आप कह रहे हैं अगर प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स ऑफ चौधरी निसार, शहबाज शरीफ ये साइड पे हो जाती है, बिल्कुल हॉकिश में होती है, आप इंस्टीट्यूशनल क्लैश देखते हो स्ट्रेट? नहीं, ये तो करने जा रहे हैं, मगर उसकी मुझे लॉजिक नहीं समझ आती कि उसमें से अचीव क्या करना चाहते हैं। चौधरी निसार बड़े समझदार आदमी हैं, जाते वक्त वो जो ये कह के गए हैं कि जनाब एक्सेप्ट कर लीजिएगा, वो होते हुए नहीं नज़र आ रहा। चौधरी निसार और शहबाज शरीफ साहब इस गेम से आउट हैं, इन्होंने उनको, मेरा नहीं ख्याल है इनकी मर्ज़ी है कि उनको बाई इलेक्शन भी लड़वाने की, या ये सारा ऑलरेडी आ रहा है कि जनाब नहीं साल ही रहना चाहिए, ये फिलर्स दिए जा रहे हैं और उन अखबारात उन सहाफ़ियों को दिए जा रहे हैं जिनका पता है, जो इन्हीं से ख़बर लेते हैं, सो क्लियरली मैसेज दिया जा रहा है कि शहबाज शरीफ से वो बाई इलेक्शन नहीं लड़वाना चाहते। फुआद, ये बताएं, आमिर का ख्याल है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी एक हमाकत होगी, क्योंकि उसको सुप्रीम कोर्ट उड़ा के फेंक देगी? पहली बात तो कि उड़ा सकती है कि नहीं उड़ा सकती, सेकंड बात यह है कि अगर आप लोगों पे ये लगता है कि जी ये कोर्ट शायद इंटरफेयर कर रही है ज़रूरत से ज़्यादा, लेकिन अगर एक पब्लिक प्रेशर बन के पॉलिटिकल प्रेशर बनता है, क्या आपके ख्याल में वो जुडिशल प्रोसेस रुक सकता है? देखिए मार्क, पहली बात तो यह है कि मैं ज़ाती तौर पे कतई इस हक में नहीं हूँ कि अदालत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन करे, क्योंकि इससे फिर एक जो बैलेंस है सॉवरेनिटी का
वो ख़राब होता है, जो मैं समझता हूँ कि बहरहाल पार्लियामेंट के पास रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की इस वक्त जो सिचुएशन है, चूँकि आप दोनों को यह है कि आप जो माजी की पाकिस्तान की सियासत है उसको बड़ा अच्छा समझते हैं, तो ये 2007 में जो मुशर्रफ साहब की थी, जिनके हाथ से रेत की तरह अथॉरिटी जो है वो निकलती जा रही थी, एग्जैक्टली ये उस वक्त की सिचुएशन है। कोई भी जो अकलमंद आदमी होता है वो इस तरह की सिचुएशन में गवर्नमेंट करना बिल्कुल बेवकूफ़ी होती है। उसकी वजह यह है कि आपकी ब्यूरोक्रेसी हाथ से निकल रही होती है, पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन आप नहीं कर पा रहे होते, आप इलेक्शंस की तरफ जाते हैं, क्योंकि अगर इलेक्शन होगा नई हुकूमत बन जाए तो उसके नतीजे में अथॉरिटी जो है वो सिविल अथॉरिटी वापस आ जाती है। ये जितना उसको डिले करेंगे उतना इनको नुकसान होगा, उतना पाकिस्तान को नुकसान होगा। और मुझे अभी तक ये, चूंकि हमारे मीडिया पे मईशत इतनी डिस्कस नहीं होती, पाकिस्तान की सियासत तो अपनी जगह, आज देखें कि $15 बिलियन से पहली बार पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स नीचे आए हैं। इसका प्रेशर हमारी करेंसी के ऊपर आएगा, इसका प्रेशर हमारे जो फॉरेन रिजर्व है उसके ऊपर आएगा और कर्ज़ों के ऊपर आएगा। लिहाजा हमारी जो मईशत है उसमें वो सस्टेन कर सकेगी इस तरह की सिचुएशन 6-8 महीने? मुझे लगता है नहीं कर पाएगी। ऊपर से जो वज़ीरों की एक फौज ज़फ़रे मौज लगाई है, सिर्फ उसका मकसद ये है कि उनको फ़ंड दिए जाएँ और वो एक साल अपनी कैंपेन कर सके दो दो हलकों में, इसके अलावा उनका कोई और मकसद ही नहीं है इस वक्त इन वज़रा की इतनी बड़ी तादाद को लेके आने का। लिहाजा पाकिस्तान का इंटरेस्ट तो ये है कि हम इलेक्शंस की तरफ जाएं और जितनी जल्दी जाएं। ये तो आपकी ख्वाहिश है ना? हाँ बिल्कुल, ये मेरी भी ख्वाहिश है और हर पाकिस्तानी की भी ये ख्वाहिश है। अगर नहीं जाएंगे तो खुद ही जाना पड़ेगा, आप देख लें 1-2 महीने और इंतजार कर लें। मैं तो वो क्या है, हम तो नेको बाद हजूर को समझाए देते हैं। आमिर, इन दी एंड बिल्कुल थोड़ा सा वक्त रह गया, आपके ख्याल में अब जो ये एक बहुत सीरियसनेस इनको एहसास है, आपके ख्याल में जो कि ये जो थर्ड अब लास्ट फेज़ आ रहा है ये पहले फेजेस से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है? बिकॉज मेरी फीलिंग है कि ये उस फेज़ को उतना ख़तरनाक नहीं समझते, या ये समझते हैं कि हम इसको थ्रू ब्रूट स्ट्रीट फोर्स हम इसको दबा सकते हैं। मेरा ख्याल इनमें एक डेस्परेशन है और वो बड़ी जो है डेंजरस है कि ये सुइसाइडल मोड में हैं, कि जना वो जो अंग्रेजी का मुहावरा नहीं कि बच्चे के साथ टब भी फेंक देने वाला, ये वो वाले उस तरह की, इसीलिए हमें मरियम बीबी की मैं ज़ाती तौर पे बड़ा इज्जत करता हूँ, मगर सियासी तजर्बा उनका नहीं है, नापुख्तगी है। अगर ये हाथ उनके हाथ सब कुछ दे दिया जाता है जिस तरह के दे दिया गया है, तो एक तो मुल्क के लिए भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम एक न्यूक्लियर कंट्री है और आप कहें जी एक खातून जिनका कोई सियासी तजर्बा नहीं वो चला रही है। जाती गुस्से में है और दानियाल का मैं पहले बता ही दूँ, मेरा ख्याल है हमारा दोस्त जो है ना, इन्होंने तो ताने क्या देने, हम भी उसको ताने देंगे। वो उसके साथ ज्यादती तो की है कि 12 साल पहले वो बेचारा फेडरल मिनिस्टर था और इसमें कोई शक नहीं है कि कोई जितना उसने जोर लगाया है इनको कोई टकरा है तो वो दानियाल ही टकरा है चौधरी साहब को, तो उसके साथ ज्यादती करना तो एक किस्म का उसका मजाक उड़ाने वाले, ये ताने नहीं देंगे हम भी ताने देंगे। मैंने कोई बात नहीं कही, दानियाल ने मैसे उस दिन ताने मारे हैं कि उसे हामिद भी रहा के उल्टी सीधी बातें कर गया, वो भी मेरे खाते पड़ गए। सो आई एम गोइंग टू नहीं, मेरा ख्याल उसके साथ बिल्कुल जो है ना इन्होंने ज्यादती की है, लेकिन मुझे काम उससे सबसे ज्यादा लिया है और आखिर में जो है उनसे जो 15-15, 20-20 साल छोटे जूनियर बच्चे हैं उनको पूरी पूरी वजारते दे दी। लेकिन मैं देख रहा था कि जब हम ये बात करते हैं एजुकेशनल पॉलिटिक्स की और तकरीरों की, तो हिस्ट्री की चीज़ें इन्होंने इस तरह चौधरी फवाद ने कहा, कुछ चीज़ें याद आ गई। आज मौलाना फजल रहमान बड़ी ज़बरदस्त करके गरज बरस रहे थे डेमोक्रेसी पर, तो मुझे एक वाक़या याद आ गया, मुशर्रफ साहब की हुकूमत और शौकत अज़ीज़ प्राइम मिनिस्टर, तो उनको मिलने एक बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट आए हुए, तो वो मिलिट्री सेक्रेटरी के कमरे में बैठे हुए, तो वहाँ पे उस वक्त के DGISI जनरल कियानी भी बैठे हुए थे। और इन दोनों की बात है जब आपको याद है बहुत लंदन में मीटिंग्स हो रही थी, मिसा के जमहूरियत होगा, ये होगा, वो होगा, उन दोनों की एक्टिविटी बहुत शुरू हो गई। तो फजल रहमान साहब ताज़ा ताज़ा उसी दिन गए थे, तो उस ब्यूरोक्रेट ने उनसे पूछा जनरल कियानी से कि भाई आप तो बड़ा कहते थे कि हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ये हैं, वो हैं, वो तो चले गए हैं, छोड़ गए आपको। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरे साथ कल नाश्ता करके गए। So now we have to be see कि जो इस वक्त लोग हैं, ये मैंने वाकई इसलिए सुनाया है कि जब इस वक्त आप कॉन्फ्रंटेशनल की पॉलिटिक्स में जाते हैं तो आप अपने एलाइज भी देखते हैं, वही एलाइज इस वक्त नवाज शरीफ साहब के साथ भी हैं, क्या ये लोग भी कहीं और नाश्ते कर रहे हैं और यहाँ पर बात चलेगी?
नहीं, ऑटोमेटिकली जब ये फिजा फटती है तो वो चार चार जगह पे नाश्ते हो रहे होते हैं, हर कोई अपनी ऑप्शंस देख रहा है कि क्या है, वो बिल्कुल ये वाला मामला है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑलरेडी इनके पास चॉइसेस ऑलरेडी बड़ी थोड़ी हैं, और उसके अंदर भी अगर कोई ठंडे मिजाज के लोग नहीं हैं, और ये मान लें ये हकीकत है कि प्राइम मिनिस्टर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई फॉर लाइफ हो चुके हैं, इस हकीकत को एक्सेप्ट करके इनको आगे चलना है। खाकान अब्बासी भी तो ठंडे आदमी। नहीं नहीं, खाकान अब्बासी साहब नहीं, इतने ठंडे आदमी भी नहीं है वो। मैं तो दो एक दफ़ा मेरे साथ टेलीविज़न के ऊपर जो है उनका ब्लड प्रेशर एकदम से शूट कर जाता है, ठंडे हैं, मगर वो एक वो राबड़ी देवी वाला मॉडल है ना, वो तो वो उनके हाथ में है नहीं, फिलहाल मरी से हो रहे हैं। आई हैव टू क्लोज। आमिर थैंक यू वेरी मच, चौधरी फवाद थैंक यू वेरी मच, बैरिस्टर सलाउद्दीन आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन बात यह है कि ये बड़ा ही टफ महीना आ रहा है सितंबर का, 8 सितंबर डेडलाइन है, रेफरेंसेस फाइल होंगे और जैसा हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा मुकदमे होंगे, बेल्स होंगी और ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल के दरमियान में रेफरेंसेस, किसी का फैसला पहले आ सकता है, किसी का बाद में आ सकता है, और अगर आप टकराओ किसी पॉलिटिक्स पर चलेंगे जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट से भी टकराव करें, जिसमें आप फौज के साथ भी टकराव करें, जिसमें आप तमाम इदारों के साथ टकराव करें, और एक ऐसे केस पे जो जमहूरियत के बारे में नहीं है, जो बेसिकली करप्शन के ऊपर है, तो बेहतर तो यह है कि सच को लेके चलें, जुलूसों को नहीं, तो उसके नतायज बहुत उल्टे भी हो सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।